आज हम इम्पैक्ट टेस्ट यस करेंगे, उसके लिए हमको 20 mm की सीव चाहिए, 10 mm की सीव चाहिए। ये देखिए 20 mm और 10 mm की सीव। उसके बाद हम एग्रीगेट को लेंगे और उसको इस तरह से सीव करेंगे। 20 mm से जो पास हो गए और जो 10 mm जो रिटर्न हुए, जो 10 mm रिटर्न होंगे उसका हम एक्चुअल टेस्टिंग करेंगे और उसको हम ये जो इम्पैक्ट का बीकर इसके अंदर प्लेस करेंगे। ये देखिए इम्पैक्ट का बीकर जो है हमारा, इसको हम इस तरह से प्लेसिंग करेंगे। अब धीरे धीरे प्लेसिंग करना है इसको, और एक बार प्लेसिंग करने के बाद 25 टाइम आपको टेम्परिंग करना है उसकी। टेम्परिंग इस तरह से करेंगे प्रॉपरली, हर 3 लेयर में इसको हम फिल करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने फिल कर दिया है पूरी तरीके से, और लास्ट लास्टली फिल करा हमने ये। अब इसके बाद प्रॉपर इसको रोल अप कर देंगे ताकि जो भी अनइवननेस होगी टॉप सरफेस है वो प्रॉपर हो जाए। उसके बाद ये इम्पैक्ट मशीन दिख रही है, इसमें हम प्लेस करेंगे और 15 टाइम्स बाद हम इसको इम्पैक्ट करेंगे टू द एग्रीगेट। देखिए इस तरह से इम्पैक्ट करेंगे इसको हम लोग। ये इम्पैक्ट 15 टाइम्स होगा, फिर उसके बाद ये इम्पैक्ट ये 15 टाइम्स कंटिन्यू रखना है हमको, और एक बार में अब इसके बाद W1 जो रहेगा हमारा टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट रहेगा, W2 जो रहेगा वेट ऑफ एग्रीगेट जो सीयू से 2.36 से पास हो जाएंगे, W3 जो रहेगा वो जो रिटेन रहेंगे 2.36 से वो W3 रहेंगे, और जो फाइनल इम्पैक्ट वैल्यू निकलेगी हमारी 100 अपॉन W2 अपॉन W1, जो कि 30% से ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जी।